हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपको ये जो जगह दिख रही है ये है नड़ियाद। नड़ियाद में संतराम मंदिर, और यहाँ पे कहा जाता है कि पहले यहाँ वादा ली जाती है, और वादा लेने के बाद यहाँ पे कोई दर्शन नहीं होते, यहाँ पे होता है सीधा बोर उछालने का काम जो सब लोग करते हैं यहाँ पे, और मन्नत लेके आते हैं और अपनी वादा घर से ही लेके आते हैं, वो पहले ही ले लेते हैं। कुछ लोग सेम डे लेते हैं जो अपने घर से लेके आते हैं, और फिर यहाँ पे आके बोर उछालने की जो प्रक्रिया है बहुत सालों से चल रही है वो उसको करते हैं। ये जो होता है ये साल में एक बार होता है, और वो होता है पोषी पूर्णिमा के दिन होता है, और उसी दिन यहाँ पे इतना रश देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे पोषी पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे नहीं है सब जगह से लोग आते हैं, और कितना रश रहता है वो तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे यही प्रक्रिया चलती है कि बोर उछालने की, और मन्नत किसी भी प्रकार की मन्नत ले सकते हैं आप, कोई भी प्रकार की बाधा ले सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को बोली नहीं आ रही, या फिर आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो पूरा नहीं हो रहा तो वो भी पूरा। तो देखो यहाँ पे मैं ना बोर उछाल रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये मेरे साथ में जो आंटी है वो भी बोर उछाल रहा है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बोर उछालते हैं उसके बाद ना बोर चुकते भी हैं, उछालते उछालते चुकते हैं, उसको बोलते हैं कि वो यहाँ का प्रसाद है, मतलब उछाल के और नीचे पैरों में जितने भी बोर गिरते हैं ना लोग लेते हैं, और पता है इंसानों के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से लगते भी इन बोर से। तो ऐसा कुछ कहा गया कि बोर उछालना होता है, और यहाँ पे बाधा भी ले सकते हैं, मतलब कुछ सी भी चीज़ के रहता है, ऐसा कहते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये पूर्णिमा को ही होता है जो साल में एक बार आती है, पूर्णिमा की मास उसी दिन होता है, और तभी ये सब कुछ किया जाता है, मतलब यहाँ पे बोर और उछालने की प्रक्रमा है जो यहाँ पे बहुत टाइम से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। और आपको दिख ही रहा होगा कितनी भीड़ है, कितना रश है। ये तो मंदिर के बाहर का है, मंदिर के अंदर का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दर्शन तो हमारे बिल्कुल भी नहीं हुए यहाँ के मंदिर के, क्योंकि यहाँ पे बहुत, ये देखो मैं भी है ना चुगने आ गई हूँ बोर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि बोर छानना है फिर उसको चुगना है, तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे बोर चुगे और चुग के अपनी थैली डाल दी, क्योंकि वो एक प्रसाद था कि न्याय को खिलाना और मुझे भी खाना और सबको खाना, मतलब जो भी जो सबको मेरे को देने थे, तो मैंने यहाँ पे ये बोर चुके और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, मतलब ये मतलब इंजॉय करने वाला सा भी सीन लगा मेरे को, तो मैंने तो मज़े भी किए। और ये आंटी हमारे साथ ही गए थे जो चुग रहे थे। ये देखो आप मंदिर का सीन देख सकते हो, कितने लोग बोर उछाल रहे, ऐसे सेम मैंने भी उछाले थे, वही हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि अगर आप भी जाना चाहो या आपके मन में कुछ भी हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली मान सकते हो और मांग के और उसको पूरा कर सकते हो। यहाँ पे बोर उछालने की परिक्रमा वो जो है वो बहुत टाइम से चली जा रही है। और ये देखो मैं वीडियो अंदर शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रश था, तो मुझे लगता फ़ोन कहीं गिर ना जाए, और अनाया भी थी तो मैंने इतना शूट नहीं किया, बट ये देखो अंदर चले रहे क्या करेंगे ना? एक झबलू बैठा आलो मनी एक झबलू आले बका मोटो इतने सारे बोल लूटे हैं बेटा, बहुत भीड़ है मंदिर में, तो देखो मेला लग रहा है मेरे पीछे, देखो मेला लग रहा है।
मेरा फोटो नहीं लिया, फोटो किसी का ही नहीं लिया, वीडियो बना। मोबाइल सब देख ही नहीं रहा। माय चैनल और वो पट तो बंद है, रणछोड़दासी के मंदिर और मंदिर के हो रहे हैं पट बंद। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? कहाँ जा रहे हो आप? आंटी आए गोटा खाना है, क्योंकि यहाँ के गोटे बहुत फेमस है डाकोर के। तो हम स्पेशली यहाँ पे गोटा खाने आए, रास्ते में पड़ रहा था तो हमने सोचा गोटे खा लेते हैं, बहुत भीड़ है आज पुणे में ना इसलिए। तो मंदिर की भीड़ कितनी सारी और पट बंद है डाकोर रणछोड़दास जी के, वो सब मंदिर जाने की भीड़ लग रही है आज पुणे में ना इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। पट मंदिर है अन्ना, चलो अन्ना डाकोर वाले मैंने आनंद आनंद छाए, मैंने बाजी थारी धुन मन लागी थारी डाकोर वाले के गोटे बहुत फेमस है और हम आगे गोटे खाने, स्पेशली मैं गोटे खाने आई हूँ यहाँ पे। गोटे खाने और यहाँ के फेमस गोटे है इसलिए मैं यहाँ पे गोटे खाने आई हूँ, स्पेशली इतनी दूर से गोटे खाने आई हूँ। अभी बोलो सब नीचे है। ये आ गए हमारे गोटे, साथ में दही, साथ में मिर्ची आने वाली है। ये फेमस इसलिए हम यहाँ पे आए गोटे खाने, मंदिर के तो पट बंद है, 4 बजे खुलेंगे, भीड़ लग रही बहुत ज़्यादा, गोटे खा लेंगे। देखो चाय पी रहे हैं ये लोग, इनका टाइम हो गया चाय पीने का, देखो गोटे खा के चाय पी रहे हैं ये लोग। ना देखो किसकी बाइक पे बैठी, ना किसकी बाइक पे बैठा है दीदी, है ना किसकी बाइक पे बैठा राजा, मैं किसकी बाइक पे बैठा है? देख चाय पी रहे तेरे पापा, चाय पी लो, चाय सर का दर्द मिटेगा। ये पिएगा शुभम, शुभम पिएगा? हाँ यहाँ बैठ रहे, मेरे पास तो नहीं है यहाँ पे, 10 रुपए खुले। हाँ बाबू ये बैठ, भैया बैठा देख पीछे, देखो शुभम और अनाया दोनों बैठ गए। ये देखो कितनी भीड़ हो रही है, वो लाइन लग रही है, इसलिए हम तो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे।